वेलकम टू XUV ट्रैवलर। वाह भाई, एक मग पानी में तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस वाला ही कर सकता है। क्या बात है। तो देखो जी, हमारे कंडक्टर साहब से मिलो। क्या चमकाया है गाड़ी कंडक्टर। ये हमारे ट्रेवल कंपेनियन कम कंडक्टर कम वाइफ कम बेस्ट फ्रेंड। चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा ता चला गया। तो रानीखेत जाना जाता है अपने कुमाऊं रेजिमेंट के लिए, ये उनका बेस है और यहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसका नाम है वीर मेजर शैतान सिंह। जी हाँ, इनकी स्टोरी आपने डेफिनेटली सुनी होगी। ये वही वीर मेजर शैतान सिंह है जिनके नाम पे चाइना आज भी थरथरा कर कांपता है। 1962 के इंडो चाइना वॉर में वीर मेजर शैतान सिंह अपने 123 सैनिकों इंडियन सोल्जर्स के साथ मोर देन 5000 चाइनीज सोल्जर्स से भिड़े थे और 1000 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर को मार गिराया था और उनकी इसी ब्रेवरी के लिए उन्हें 1963 में परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था, जो कि हाईएस्ट मेडल ऑफ ऑनर कहलाता है। तो ऐसी ब्रेवरी को और अपनी इंडियन आर्मी को सल्यूट है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है रानी झील। ये डेवलप और मेंटेन की गई है आर्मी से ही, तो एज इट फॉल्स इनटू द कैंटोनमेंट एरिया। तो इसका जो प्राइमरी पर्पस था वो था वाटर हार्वेस्टिंग, बट लेटर ऑन यहाँ पे काफी सारी स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिसके कारण अब ये टूरिस्ट में भी स्पॉट बन गया है। काफी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में अगर बताएं तो आपके पास वाटर रोलर है, फ्लाइंग फॉक्स है, वर्मा ब्रिज है, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आप भी इंजॉय कर सकते हैं। प्राइजिंग वाइज अगर आप बोटिंग करते हैं तो बोटिंग में फॉर 4 पर्सन इट विल कॉस्ट यू $70 और 2 लोगों के लिए शायद ₹50 के आसपास है, और पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो एडवेंचर एक्टिविटी है वो ₹100 पड़ती है। तो अगर आप कुछ भी करेंगे तो ₹100 के आसपास है। ये उनका क्या है, ये उनका वही है जिसमें दाना होता है। दाना जब होता है ये दानों को खाता है, अंदर का निकलता है। दाना खाते हैं इसके अंदर का? छोटा वाला आज निकलता है ये। अभी होगा दाना इसके अंदर? दाना होंगे इसके गए। और ये सजाने के भी काम आता है क्या? सजाने के। क्या सजा सकते हैं इससे? इसको यह करता है, पहले इसको डीजल मिट्टी तेल में धोता है। अच्छा, ये होता क्या, गोंद है क्या? ये गोंद है छोटा, ये हो रहा है। अच्छा, ये धोना पड़ेगा मिट्टी तेल डीजल में। और फिर धोने के बाद क्या करें? इसको धो कर साफ सुथ कर फिर इसमें रंग लगाता है। रंग लगाता है? रंग लगा के पॉलिश वॉलिश करके तो गमलों में टेबलों में सजाता है इसको। अच्छा, तो रंग और आप कलर करके नहीं देते हो, ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बाबा, अब मैं कहाँ चला ऐसे करने के लिए। मैं तो ये आप रोज बेचते हो? रोज। तो आप और क्या करते हो? और कभी बेचनो काफो हाफो है, काफल भी देते हो। अब काफलों का सीजन आ जाता है। आप रहते कहाँ हो अम्मा? हम मछली के पास, मछली के पहाड़ में रहते हो। रोज ये बेचते हो? रोज इसको बेचते हूँ, रोज काफल बेचते हूँ। अच्छा, समय है हम मानकामेश्वर मंदिर पे। ये जो जगह है ये कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, मेजर ट्रेनिंग सेंटर है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड सिचुएशन पे एंट्री स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। आप पीछे देख सकते हैं वो मंदिर का गेट है मानकामेश्वर, और उसके बगल में जो गुरुद्वारा है। तो ये जो मानकामेश्वर मंदिर है ये कुमाऊं रेजिमेंट ने ही बिल्ड किया था 1978 में। तो हमारा काफ़ी मन था कि आके कुछ एक्सप्लोर करेंगे देखेंगे, बट Unfortunately, it is closed. तो चलिए हम कुछ नए डेस्टिनेशन पे चलते हैं और देखते हैं हम क्या नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस समय है हम झूला देवी माता के मंदिर पे और रानीखेत में है। ये मंदिर टूरिस्ट लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, और स्पेशली यहाँ पे पहाड़ों में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वो कैसे, इनका नाम झूला देवी कैसे पड़ा?
करीबन 700 साल पहले यहाँ पे चौबटिया जो एक जंगल था वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवरों का आतंक करता था, जिसमें शेर चीता लोगों को गांव में बहुत परेशान करते थे और बहुत ज़्यादा आतंक था। तो लोगों ने दुर्गा माता से प्रार्थना की और उनको बोला कि भाई हमारी रक्षा कीजिए। तो दुर्गा माता किसी गांव के निवासी के सपनों में आकर के उन्होंने एक लोकेशन बताई, जगह बताई और बोला कि यहाँ पे मेरी मूर्ति निकलेगी, उसकी आप स्थापना कीजिए, मंदिर बनाइए, फिर देखिए। तो लोगों ने जब वहाँ बताई हुई जगह पे जाके खाने खनाई की और माता की मूर्ति निकाली, उनका मंदिर बनाया वहाँ पे, जो कि यही मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, तब से वहाँ पे ये आतंक खत्म हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे माता की स्थापना हुई और लोग बच्चे यहाँ पे खेला करते थे, झूले झूलते थे, तो माता फिर किसी के सपने में आई और उन्होंने बोला कि मुझे भी एक ऐसा ही झूला चाहिए अपने लिए। तो उनके इसके कारण यहाँ पे उनको झूला में स्थापना की गई, वो झूले में ही यहाँ पे बैठती हैं और तब से इनका नाम पड़ा झूला देवी माता। तो ये इनकी यहाँ की कहानी है। तो यहाँ पे ये भी मान्यता है कि झूला देवी माता मंदिर में जब कोई अपनी मन्नत मांगता है और वो पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे आकर के अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे घंटियाँ अर्पित करते हैं, बांधते हैं। तो देखिए जितनी आप ये घंटियाँ बाहर देख रहे हैं उससे ही भी कई ज़्यादा घंटियाँ मंदिर के अंदर भी बधी हुई हैं, लाखों घंटियाँ बधी हैं। तो आप उससे ही समझ सकते हैं कि कितनी श्रद्धा है लोगों की यहाँ पे। जो कि झूला देवी माता से हार्डली 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। बहुत ही अच्छी और शांति वाली जगह है, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पे। और राम जी का मंदिर है, शिव जी है और हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि ये एक संस्कृत विद्यापीठ भी है, यहाँ पे बच्चे संस्कृत का ज्ञान लेते हैं और वेदों की पढ़ाई करते हैं। और वो एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ से जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी यहाँ पे आएँ तो यहाँ से सनसेट ज़रूर देखिएगा। ज़रा व्यू दिखाइए यहाँ से, ये देखिए कितना ही प्यारा, मतलब दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, पेड़, जंगल और शांति ही शांति। यहाँ पर हमारा रानीखेत का सफ़र ख़त्म होता है और अब हम जा रहे हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए।